नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। बीआर चोपड़ा के मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। वो 74 साल के थे। प्रवीण कुमार ने अपने करियर में एक्टिंग के अलावा खेल में भी हिस्सा लिया था। वो एक एथलीट भी थे। बीआर चोपड़ा की महाभारत में यूं तो रोल अदा करने वाले हर कलाकार ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के बीच गहरी छाप छोड़ी थी। इन्हीं कलाकारों में से एक थे महाभारत के गदाधारी भीम का रोल अदा करने वाले एक्टर प्रवीण कुमार सोबती। महाभारत के अलावा प्रवीण कुमार सोबती ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। 90 के दशक में वो चाचा चौधरी सीरियल में साबू के लिए बच्चों में काफ़ी मशहूर हुए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रवीण कुमार का अभिनय की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। प्रवीण कुमार सोबती ने अंतर्राष्ट्रीय खेल में देश का प्रतिनिधित्व किया था। वो डिस्क थ्रोअर और हैमर थे। जी हाँ, वो हैमर और डिस्क थ्रो में एशिया के नंबर एक खिलाड़ी रहे। प्रवीण कुमार सोबती ने एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर इंडिया के लिए पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। 1966 और 1970 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने देश की शान बढ़ाई थी। उन्होंने दो बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया। प्रवीण 1967 में खेल के सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से भी नवाजे गए थे। लेकिन पीठ में दर्द की वजह से उन्हें खेलने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद प्रवीण कुमार बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी करने लगे। लेकिन अचानक वो अभिनय की तरफ बढ़ गए। प्रवीण ने 100 रुपये के शगुन के साथ अभिनय में हाथ आजमाया। 1980 में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। महाभारत में भीम का रोल काफ़ी ताकतवर था। प्रवीण कुमार की कदकाठी की वजह से उन्हें भीम का किरदार मिला। उन्होंने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग उन्हें भीम के नाम से ही जानने लगे। इसके अलावा प्रवीण कुमार ने करीब 50 फिल्मों में छोटे बड़े रोल निभाए। स्पोर्ट्स, फौज, एक्टिंग के बाद प्रवीण ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। प्रवीण ने साल 2013 में पॉलिटिक्स में भी करियर शुरू किया और वो आम आदमी पार्टी की तरफ से वजीरपुर के लिए लड़े थे, लेकिन यहाँ उन्हें हार मिली। हार के बाद प्रवीण बीजेपी में शामिल हुए। आखिर दिनों में प्रवीण कुमार को काफ़ी आर्थिक तंगहाली का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकारों से मदद भी मांगी, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी। प्रवीण हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।